हिलसा शहर के गजब स्थित माँ माधुरासिनी मंदिर में मेहुरी वैश्व मंडल हिलसा इकाई का चुनाव सोमवार को सुबह 10 बजे से संध्या 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया द्वारा चला। उसके बाद रात्रि 9 बजे तक गिनती चला। वैश्व मंडल हिलसा इकाई का अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शालिनी वैश्यार एवं अनिल कुमार वैश्यार उपस्थित थे। हिलसा इकाई के लिए अध्यक्ष 4 उम्मीदवार में से दीपक कुटियार 175 वोट से, उपाध्यक्ष 3 उम्मीदवार में सुनील सेठ 109 वोट से, सह सचिव 2 उम्मीदवार में राकेश कुमार वैश्यार 129 वोटों से, कोषाध्यक्ष 2 उम्मीदवार अकिंतानंद 129 वोटों से, उपकोषाध्यक्ष 2 उम्मीदवार में आलोक कुटियार 299 वोटों से एवं सचिव के लिए निविरोध प्रभात माथुर को चुना गया। चुनाव के बाद मीडिया प्रभारी के रूप में सुमित कुमार माथुर को बनाया गया। इस प्रकार निष्पक्ष एवं शांति कायम कर चुनाव कराना इतिहास रचने का काम किया है। चुनाव में महिला, युवक, युवतिया, बुजुर्ग ने बढ़ चढ़ कर वोट का प्रयोग किया। चुनाव करने में सहयोग के रूप में जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश राही, नवीन कुमार, संजीव कुमार वैश्यार, दीपक कुमार चुटियार, अरविंद कुमार, राजू बदानी, आलोक कुमार, राहुल कुमार माथुर, सुमित कुमार माथुर, सोनू कुमार, राकेश कुमार वैश्यार, शिव शंकर प्रसाद, जनार्दन प्रसाद, अंकित आनंद इत्यादि।